नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लेकिन सबसे पहले आज के हेडलाइंस। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया धूमधाम के साथ। बहनों ने अपने भाइयों के बांधी राखी, लिया रक्षा का वचन। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड पर लगी एक फैक्ट्री में भीषण आग। आग लगने से एक कार सहित लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार पर रक्षाबंधन को लेकर महिलाओं की दिखी भारी भीड़। जेल प्रशासन के द्वारा महिलाओं के लिए की गई विशेष सुविधाएं। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बारिश के चलते एक मकान की गिरी छत, गरीब परिवार का सभी सामान दबकर हुआ नष्ट। शामली के कांधा कस्बे में श्री रामलीला पंचवटी का निकाला गया झंडा, धूमधाम के साथ झंडे के की गई स्थापना। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में जानसठ ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ का हुआ जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया गया, जहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की। इस दौरान भाइयों ने बहनों को सदा रक्षा करने का वचन दिया, जिसके बाद भाइयों ने बहनों को उपहार भेंट किए। भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर दीर्घायु की कामना की, जिसके बाद भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंग बिरंगे नए कपड़े पहनकर बहनों से राखी बंधवाई। बहनों ने रक्षा सूत्र बांधने के साथ माथे पर तिलक किया। इस दौरान कस्बे के बाजार में मिठाई और राखियों की दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार बसों में भी काफी भीड़ रही, साथ ही डग्गामार वाहन चालकों ने भी चांदी काटी। बता दें कि डग्गामार वाहन चालक गाड़ियों की छतों पर सवारियां बैठाए हुए थे, वहीं लोगों ने कारों व बाइकों से भी सफर तय किया। इस दौरान दोपहिया वाहनों पर सवार लोग यातायात नियमों की अवहेलना करते हुए भी दिखाई दिए। कई जगह बहनों ने अपने भाइयों को राखी के साथ मास्क भी उपहार के रूप में भेंट किए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बारिश के कारण एक मकान की छत धराशायी हो गई, जिसमें मकान में रखा सभी सामान दबकर नष्ट हो गया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैथौड़ा में बरसात में हुई बारिश के चलते शेरा पुत्र रहमतुल्ला के कच्चे मकान की छत भर भरा कर गिर गई। छत गिर जाने से कच्चे घर में रखा सभी सामान दबकर नष्ट हो गया। ग्रामीण रहमतुल्ला के द्वारा बताया गया कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है और मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। गर्मी के चलते उसका परिवार घर के बाहर सोया हुआ था, तभी लगभग रात के 10 बजे कच्चा मकान भर भरा कर गिर गया, जिसमें घर में रखा सभी सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया है। जहां पर पड़ोसियों की मदद से कुछ सामान को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन सभी सामान अंदर दबा हुआ था जो पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ है। पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है, जिससे कि वह घर की मरम्मत करा सके। यह बारिश पड़ी और यह गिर गई, दीवार गिर गई। अच्छा, इसमें कितना नुकसान हुआ है दीवार गिरने के बाद? मतलब कई हजार रुपए का नुकसान है। अच्छा, तो आपने कहीं SDM या अन्य अधिकारी को एप्लीकेशन दी इस मामले में? किसी को एप्लीकेशन नहीं। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? भैया चाहते हैं काम हो जाए हमारा। गरीब आदमी हम, तो मजदूर आदमी है, पता नहीं कैसे कैसे कर रहे। अच्छा, सब बाहर थे। अच्छा, गिरा रात गया, 10 बजे गया ऐसा। अच्छा, तो इसके अंदर सामान रखा हुआ था? सामान है, बोबो दोनों बोबो का है, इनका बच्चियों का। कितना सामान होगा? है भाई, बर्तन भांडे अपने, थोड़ा बहुत संदूक बंदूक का छोटा मोटी है। तो लगभग इसमें मकान दबने की वजह से कितना नुकसान हुआ होगा आपका? दो ये जी, अभी लगातार जो 2-3 दिन बारिश हुई है उसकी वजह से रात 10-10:30 बजे करीब में गिरा है मकान। गिरा है आपका? जी। अच्छा, इसमें किसी के चोट वोट आई है? चोट तो फिलहाल किसी के नहीं थे, सब भारी थे। बाकी जो दो बोबो का दहेज का सामान है वही दबा पड़ा है इसमें। इसमें सामान, दो बोबो का दहेज का सामान जी। अच्छा, लगभग कितना नुकसान होगा आपका? लगभग यही अपना 1.5-2 के हेर फेर में। अच्छा, इसकी जानकारी आपने किसी को दी? अभी तक तो मतलब सभी जानकारी के लिए आ रहे हैं, दे भी रहे सभी को। अच्छा जी, किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दी? अभी तो किसी को नहीं दी। अच्छा, कोई अधिकारी आया आपके पास अभी तक? अभी कोई अधिकारी नहीं आया। अच्छा, ग्राम प्रधान को इसकी जानकारी दी आपने? हाँ जी दिए, वो आने के लिए बोल रहे हैं, पर अभी तक तो कोई भी नहीं आए।
रविवार को प्राचीन रामलीला समिति के द्वारा जानसठ में प्राचीन रामलीला भवन से रामलीला का 121वां ध्वजारोहण किया गया। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी प्राचीन रामलीला समिति के पदाधिकारियों के द्वारा ढोल बाजों के साथ रामलीला का 121वां ध्वजारोहण कस्बे के मिश्रान मोहल्ले रामलीला स्टेज से शुरू होकर कस्बे के मुख्य मार्गों से झंडा यात्रा निकाली गई तथा उसके उपरांत झंडा यात्रा का समापन महादेव मंदिर रामलीला मेला स्थल पर किया गया। रामलीला समिति के अध्यक्ष निशांत काम्बोज ने बताया कि आज से सवा महीने के बाद रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से रमेश चंद काम्बोज, अध्यक्ष निशांत काम्बोज, सचिव उमा शंकर शर्मा, कोषाध्यक्ष सोनी कुमार, सभासद अश्विनी चौधरी, सभासद अमरजीत सैनी, लेखपाल जगदीश कश्यप, लेखपाल विकास धनगर, बाल किशन, रतन राजपूत, विश्वनाथ, आशीष भारद्वाज आदि मौजूद रहे। प्राचीन रामलीला समिति मोहल्ला मिश्रान का इस वर्ष 121वां झंडारोहण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत देवी मंदिर मोहल्ला मिश्रान से होकर समापन महादेव मंदिर पर होगा। प्रत्येक वर्ष यह प्रथा चली आ रही है और आज से सवा महीने के पश्चात रामलीला का मंचन शुरू हो जाता है और उत्तर प्रदेश सरकार के जो भी शासनादेश आएगा रामलीला मंचन के लिए रामलीला समिति उसी पर कार्य करेगी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से भाजपा के बूथ सत्यापन कार्यक्रम में पहुंचे प्रभारी मंत्री पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह का मीरापुर में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पंचायत राज मंत्री ने कार्यकर्ताओं से बूथ समीक्षा करते हुए प्रत्येक बूथ को मजबूत बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुनः 2022 में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। शनिवार को मीरापुर कस्बे के बिजली घर के समीप स्थित पैलेस में भाजपा का बूथ सत्यापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी का मंडल अध्यक्ष सचिन ठाकुर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला ने वंदे मातरम का उद्घोष कराकर कराया। इससे पूर्व भाजपा नेताओं ने भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद मीरापुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ अपने बूथ को मजबूत करे। शनिवार को जानसठ तहसील सभा कक्ष में लगे समाधान दिवस तथा खराब मौसम के चलते इक्का दुक्का फरियादी ही संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंच पाया, जिसमें 18 फरियादी ही अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं 18 शिकायतों में से एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ। ज्यादातर शिकायतें जमीनी विवाद, पुलिस, विद्युत और अन्य विभागों से प्राप्त हुई। उप जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से एक ही तरह की शिकायतें बार बार आने पर अंकुश लगाने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को कहा कि सरकार की मंशा है कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण समय पर किया जाए, उन्हें बार बार तहसील के चक्कर ना लगाने पड़े। चकबंदी हुई थी सम्मान लेडम में और सन 2018 में मैंने दरखास्त दी थी, मेरा 9.5 बीघे का बैनम और साहब आज 2 बीघे का रखी, मैं परेशान हो लिया 3 साल से और बिन बाबरा वहाँ पटवारी और सुनता नहीं, जब मैं कौन लड़ने को आया मेरे साथ, मुझे 20,000 रुपए चाहिए नहीं, मैं करने का नहीं, मेरे पे 20,000 है नहीं, मैं गरीब आदमी धक्के खाता फिर रहा, 60 साल की उम्र है मेरी, अब मैं बताओ कहाँ से पैसे लाऊं, रोज पैसे लगाऊं, और सीओ साहब को भी रिसीव कर रखी सीओ साहब ने, और मैंने सीओ साहब को भी कहा साहब इस पर आप लिख कर दो, उसे कहो कि सब पूरी कर दे, आज तक पूरी नहीं हुई वो मेरी और मैं धक्के खा रहा अब भी। अच्छा, इसकी शिकायत आप आला अधिकारियों से भी की है, क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं जी, मैं मन ने तो सीओ से ही करी थी, उनने कहा अरे कर देगा पटवारी, पटवारी कर नहीं रहा। अब आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आज मैं तो कह रहा हूँ सब पूरी करी जाओ मेरी यो जमीन। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव सलारपुर स्थित पंचायत घर में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की गरिमा व सम्मान के साथ ही उनके सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयत्नशील और कार्यरत है। इसी के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन के अंतर्गत जानसठ इंस्पेक्टर डीके त्यागी के द्वारा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में शनिवार को एसआई सुरेंद्र सिंह, बीट इंचार्ज विनोद कुमार व महिला कांस्टेबल सीमा रानी के द्वारा
द्वारा गांव सलारपुर में पहुंचकर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला कांस्टेबल ने महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महिला अपने आप को कमजोर ना समझे तथा महिलाएं अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न को 1090181 पर पुलिस को फोन करके बताएं। उसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा महिला की शिकायत सुनने के लिए महिला पुलिस को ही नियुक्त किया गया है। कस्बा मीरापुर के मुकल्लमपुरा गांव में जानथट ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। क्षेत्र के युवा नेता पंडित दीपक कृष्णात्रेय ग्राम कैथोड़ा से क्षेत्र पंचायत सदस्य अंकुर पहलवान के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी यशपाल सिंह ने की और संचालन शिक्षक जोनी दीवान ने किया। ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ के अभिनंदन समारोह से पूर्व गांव में उनका रोड शो निकाला गया, जो बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर भूमा रोड व पूरे गांव से होते हुए भूमिया शिव मंदिर के निकट कार्यक्रम स्थल पर संपन्न हुआ। ब्लॉक प्रमुख के पहुंचने पर ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोर शोर से उनका स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख ने सर्वप्रथम भूमिया शिव मंदिर पहुंचकर भगवान के समक्ष मस्तक नवाया और फिर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह राठौड़ ने उनके सम्मान में आयोजित समारोह के लिए आयोजक पंडित दीपक कृष्णात्रेय अंकुर पहलवान और ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया और विकास के कार्यों के लिए मुकल्लमपुरा कैथोड़ा गांव को प्राथमिकता में रखने का आश्वासन दिया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।